तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है यार, आप लोग इतना कमेंट मत किया कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए, मतलब चलिए कीजिए कीजिए, कोई बात नहीं, चलिए कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ACC सेट 1 का पेपर है, देखिए इतना कमेंट किया यार, जल्दी बता दीजिए भैया, जल्दी बता दीजिए। देखो यार जल्दी बता दिया, सुबह के सो के ही उठाऊँ और जस्ट फ्रेश होकर वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ACC EBS के बारे में ना, ACC EBS एनवायरमेंटल साइंस सेट 1 जो पहला दिन पेपर हुआ था एग्जाम, उसका पेपर दे रहा हूँ एंड साथ में आंसर भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं, 21-24 सेशन है, समय आपको 1.5 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 40 होता है और कुल मिलाकर पासिंग नंबर में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो बता दूं कल मैंने आपको मार्कशीट दिखाया था फाइनल सेमेस्टर 2 का ACC का पेपर का भी, तो 50 नंबर का होता है यह पेपर, 10 नंबर आपको कॉलेज देता है, 40 नंबर इसमें। तो कुल मिलाकर इस 50 में से आपको 20 नंबर लाते हैं दोनों जोड़ के, इंटरनल और एक्सटर्नल, कितना लाएं कोई मालूम नहीं है, ठीक है, किसमें कितना लाएं कोई जरूरी नहीं, आपका 20 अगर हो जा रहा है कुल जोड़ के दोनों का, तब आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, कन्फ्यूजन खत्म। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इकोसिस्टम शब्द को किसने बनाया या किसने गढ़ा, हु कोइनेड द वर्ड इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को AG Tonsley, ऑर्थर जी टोंसले होता है पूरा नाम, उन्होंने दिया था, ठीक है, गलत नहीं कीजिएगा। देखिए मैं आपको 3-4 बार एनालिसिस, लगभग किसी भी पेपर को मैं बनाता हूँ उससे पहले 1 से 2 घंटा मैं उस पर एनालिसिस करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, ऐसे ही नहीं वीडियो बनाता हूँ। तो एकदम फुल विश्वास के साथ आप लोग मिला लीजिए आंसर, ठीक है, और अगर नया देख रहे हैं एग्जाम है आपका तो देख लीजिए, कहीं पर आपको कोई गलती नहीं होगी, मैंने गूगल मैप वगैरह सारा मैप बुक वगैरह छान के ही मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो इकोसिस्टम शब्द को किसने बनाया, टोंसले ने, AG टोंसले, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन एक जैव भू रासायनिक प्रक्रिया है। तो जैव भू रासायनिक प्रक्रिया, देखिए ध्यान रखिएगा, रासायनिक बोल रहा है, तो जल का बहाव क्या रासायनिक है, नहीं है। गाय का चरना क्या रासायनिक है, नहीं जी, इसमें तो कहीं रसायन का केमिकल का कुछ प्रयोग ही नहीं नजर आ रहा है। आइए देखते हैं, तो सी नंबर है आपका पत्ता का गिरना, क्या इसमें रासायनिक है, नहीं कोई भी नहीं, तब ऑब्वियसली डी ही होगा यार, ठीक है। तो देखिए डी नंबर है रसायनों का जैविक से अजैविक तत्वों की ओर जाना या गमागमन, ठीक है, ट्रांसफर टू केमिकल फ्रॉम बायोटिक टू एबायोटिक वर्ड एंड वाइस वर्सा, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि पारिस्थितिकी पिरामिड कौन एक कार्य दर्शाता है, पारिस्थितिकी पिरामिड कौन एक कार्य दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहार श्रृंखला, फूड चेन, क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार का होता है, एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज, हमेशा विच टाइप्स, ठीक है, तो ऊर्जा का पिरामिड जो हमेशा होता है कैसा होता है, सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन में नहीं होगा, वृत्ताकार, नहीं जी वृत्ताकार नहीं होता है, सीधा होता है, सीधा, त्रिभुजाकार, सीधा, लेकिन त्रिभुजाकार नहीं, केवल सीधा, आयताकार बिल्कुल नहीं, तो चौथा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं की जगह पे उनको लिखना होता सीधा, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पोषण स्तर क्या है, वॉट इज ट्रॉपिक लेवल। तो आहार जाल में स्तर को पोषण स्तर कहते हैं, यानी कि लेयर इन फूड वेब, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, 5 का 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि आहार जाल क्या है, वॉट इज फूड वेब, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए आहार जाल क्या है जी, ऑप्शन इसका देखिएगा तो लगेगा यार कैसा ऑप्शन दिया है, मछली पकड़ने के लिए जाल चलिए मछली पकड़ने के लिए जाल, बचपन में मछली पकड़े, नहीं नहीं मछली पकड़ने के लिए जाल तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो माइंड में बैठा लीजिए। बी नंबर होगा अंतर संबंधित आहार जाल, ठीक है, तो कनेक्टेड फूड चेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि शेर किस जीवोम में पाया जाता है, यानी कि कैसे बायोम में पाया जाता है, कैसे एरिया में पाया जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो डेजर्ट एरिया होता है, मरुस्थलीय एरिया, वहाँ पे शेर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मरुस्थल डेजर्ट, ठीक है। और
समुद्र के किनारे दो ही जगह, मतलब सॉरी, शेर तो आपका मरुस्थल एरिया में, और जो टाइगर होता है वो काला काला वाला लाइनिंग लाइनिंग जो बिल्ली की तरह होता है, वह होता है समुद्री एरिया में जहाँ पे पानी नहीं रहता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन माइंड में बिल्कुल नहीं रखना है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि मानसूनी जंगल किस प्रकार के जंगल होते हैं। तो मानसूनी जो जंगल होते हैं वे किस प्रकार के जंगल होते हैं, वे होते हैं आपके सदाबहार जंगल। कैसे जंगल होते हैं? सदाबहार, एवरग्रीन, मतलब कि वहां पे हमेशा हरियाली रहेगी। हम लोग बोलते हैं ना कि यार सदाबहार गाने तूने लगा दिए हैं, फूलों सा चेहरा तेरा, मतलब जो भी होता है सदाबहार, मतलब कि हमेशा आपको ऐसा गाना बजाइए जो हमेशा खुश रखेगा। उसी तरह ऐसा जंगल जो हमेशा हरा भरा हो, कभी आपको पत्ते झड़े नहीं मिलेंगे, उसी को बोलते हैं सदाबहार। 9 नंबर है आपका क्वेश्चन कि जैतून किस जीवों में पाया जाता है। ठीक है, जैतून जो है यह किस जीवों में पाया जाता है, यानी कि किस प्रकार के जंगल में पाया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रासलैंड, जो तृण भूमि होती है, ग्रासलैंड मतलब कि घास वाले एरिया, उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, मेरा कुछ काम आ गया है। हाँ, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है मतलब कि जीव मंडल, जहाँ पे जीव जब से पाए जा रहे हैं, कब से पाए जा रहे हैं, कितने वर्षों से पृथ्वी पर जीव मंडल पाया जाता है, ठीक है, अस्तित्व में है। तो 4.6 बिलियन वर्ष होता है इसका राइट आंसर, अगर आप गूगल से सर्च करते हैं। लेकिन नहीं मिला 4.6, तो हम लोग उसके नज़दीक वाला को टच करेंगे, 4.5 बिलियन। ठीक है, यानी कि अरब साल से हमारे पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि किस राज्य में सुंदरवन जीव मंडल रिजर्व अवस्थित है। तो दोस्तों आपका जो है सुंदरवन डेल्टा का नाम सुने होंगे, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है जी, और यह आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के सामने है। तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सुंदरवन डेल्टा नहीं गए तो जाके घूम के आ जाइए, मजा आ जाएगा, भालो लाइक वेग भालो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला जा रहा है कि भारत के किस जैव भौगोलिक प्रदेश में जैव विविधता ज़्यादा समृद्ध है, मतलब कि कहाँ पे ज़्यादा जीवों में विविधता पाई जाती है, अलग अलग विभिन्नता की प्रकार पाए जाते हैं। तो आपका जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट बोले तो कौन सा एरिया, तो पश्चिमी घाट में आपका अरब सागर, और ये जो एरिया है ना अरब सागर वाला, जहाँ पे आपका गुजरात आ जाएगा, फिर आ जाएगा केरल, फिर कर्नाटक, समझ रहे हैं ना, जो समुद्र के साइड में है वे सभी एरिया, गोवा वगैरह वे सारे तट आ जाएंगे, पश्चिमी घाट उसको बोलेंगे। ठीक है, वहां पे जीवों में विविधता बहुत देखी जाती है, वेस्टर्न घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि कौन सी प्रजाति अधिक संख्या में पाई जाती है, मतलब कि अधिकांश संख्या में पाई जाती है। ठीक, विच स्पाइसेस इज आउट नंबर। तो देखिए, एक जो मतलब क्या बोलते हैं, एक एक्वेरियम जो होता है ना, जहाँ पे मछली होता है, बस उतना सारे छोटे से एक्वेरियम में इतने कीट पाए जाते हैं, मतलब कि इतने छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक तालाब में इतने कीट पाए जाते हैं जितने कि पूरे विश्व में आदमी नहीं पाए जाते हैं। तालाब तो बहुत बड़ा उदाहरण दे दिया। तो कीट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पूरे दुनिया में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंसेक्ट। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि कौन एक संकटापन्न प्रजाति नहीं है, यानी कि संकट में वह भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी, और ऑप्शन में पूछा गया आपका काला हिरण है, शेर है और चीता है। तो मालूम है कि काला हिरण भी आपका संकटापन्न जाति में है, शेर तो ऑब्वियसली है जी, और चीता भी है, तो तीनों तो नहीं होंगे, हाथी ही होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हाथी आराम से मिल जाएगा यार, हम लोग घर तरफ आ जाता है, दौड़ाते हैं फिर उसको, बामरा लेंगे, आग जला के, ढोल बजा के। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि उधवा पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है, वेयर इज उधवा बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो उधवा पक्षी विहार आपका झारखंड के एक जिला है, क्या नाम है उनका, सिंहभूम नाम है। ठीक है, झारखंड का जिला सिंहभूम में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, विच वन इज अ नेशनल पार्क। आइए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
बेतला नेशनल पार्क, जहाँ पे बाघों की गिनती जो है पूरे विश्व में सबसे पहले हुई थी। बेतला नेशनल पार्क आपका पलामू में स्थित है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि जैव विविधता में हॉट स्पॉट क्या है, व्हाट इज हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए यह होता है समृद्ध जैव विविधता के क्षेत्र, मतलब कि जहाँ के जीवों में बहुत ज्यादा भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन सी राइट होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि सुंदर वन किस जानवर का, मतलब कि कौन सा जानवर रहता है पर्यावास है, यहाँ पे समझ लीजिए निवास स्थान है, कौन सा जानवर रहता है। तो अभी मैंने बताया कि समुद्र के किनारे है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पे बना है, तो ऑब्वियसली है कि पानी वाला जगह है। तो कौन सा जीव पाया जाएगा जी, बंगाल टाइगर, नाम सुने हैं ना, जो हम लोग का राष्ट्रीय पशु है बंगाल का शेर, बंगाल टाइगर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रॉयल बंगाल टाइगर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अब जल्दी कर लेता हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा मत धीरे पढ़ाता हूँ ना। औरंगुटान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं औरंगुटान का आपका पहले इमेज दिमा देता हूँ, यार जितना भी समय लगेगा लगाइए, लेकिन आराम से समझिए, अगर एक बार यहाँ पे घुस गया ना तो यही काम में देगा, ठीक है। औरंगुटान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, आइए देखते हैं औरंगुटान का चित्र। तो देख लीजिए ये है औरंगुटान का चित्र, ये एक बंदर होता है और ये जंगलों में अक्सर पाए जाते हैं, देखिए पेड़ों पे रहते हैं। और यह पाया जाता है विशेष रूप से आपका कहाँ पे, तो यह पाया जाता है सुमात्रा वगैरह के इलाके में, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं, सुमात्रा यानी कि दक्षिण एशिया, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एशिया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, एशिया हो जाएगा, ठीक है, एशिया, दक्षिण एशिया में पाया जाता है, तो एशिया का ही ना भागे जी, सुमात्रा वगैरह के देशों में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि बैलाडीहा लोह अयस्क खान किस राज्य में अवस्थित है, बैलाडीहा आयरन जो खान है आपका छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, ठीक है, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी पे टिक लगा दीजिएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि BCCL का जो कार्यालय है हेड ऑफिस वह कहाँ पे है। तो BCCL का फुल फॉर्म होता है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, और इसका मुख्यालय है आपका धनबाद में, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा धनबाद। इसे कोयला नगरी भी कहा जाता है, कोयला नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, तो धनबाद या झारखंड का एक जिला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कोडरमा क्षेत्र किस खनिज के खान के लिए जाना जाता है, कोडरमा जो एरिया है आपका किस खनिज के लिए उत्पादन करता है। तो झुमरी तिलैया, नाम सुने हैं, बस वही एरिया आता है आपका कोडरमा में, और यहाँ पे अवरक की खाने हैं जिसको हम लोग माइका बोलते हैं, और इसका उपयोग आयरन में किया जाता है। यहाँ एक विद्युत का कुचालक है लेकिन उष्मा का सुचालक है, देखिए बहुत ही कमाल का चीज़ है कि विद्युत का जो है कुचालक है लेकिन उष्मा का सुचालक है, इसीलिए इसका उपयोग आयरन वगैरह में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है। तो झारखंड का राजकीय पशु क्या है, हाथी है जी, तो राइट आंसर तो आप सभी को मालूम ही होगा, इसमें ऑप्शन डी पे क्लिक कर दीजिएगा, हाथी, एलिफेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, देखिए कमल, लोटस, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है, लोटस है कमल है। तो देखिए एक मिनट यार क्या खुल रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में चिल्का झील अवस्थित है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि इंडियन नेवी का जो ट्रेनिंग होता है, मैं भी अप्लाई किया यार, मुझे तो हाइट में ही छाट देता है यार, नाटा हमको बोल, मतलब क्या नाटा है तो क्या यार, हाइट में, देखिए इंडियन नेवी का जो ट्रेनिंग होता है INS चिल्का में होता है, ठीक है, और INS चिल्का है आपका कहाँ पे है, ओडिशा में है। तो चिल्का झील कहाँ पे अवस्थित है, भारत का सबसे खारा पानी वाला झील है चिल्का झील, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, मज़ा आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये रहा आपका चिल्का झील का इमेज, देख लीजिए ये है चिल्का झील, INS चिल्का, ठीक है। तो वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बीच बीच में मैं आपको ये सब चीज़ें दिखाता रहूँगा, ताकि यहाँ पे लोड हो जाए छोटा मगज में ना। देखिए क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर हो गया ओडिशा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में अवस्थित है। तो कालाहारी जो आपका डेजर्ट है, यह आपका दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, दक्षिणी अफ्रीका,
तो कुल मिलाकर अफ्रीका का क्षेत्र आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने एक एक क्वेश्चन के बहुत बारीकी से सर्च किया, रिसर्च किया, उसके बाद मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था अगले वाली सीरीज में, इसके लिए मैं सॉरी भी मांगा यार, मुझे पछतावा भी हुआ। अपने भाई को दे दिया कि यार सेट करो पेपर, कैसा कर दिया पागल, एक क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बात नहीं, उसके लिए मैंने कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया हूँ, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं करूँगा यार, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखीय जंगल कौन सी नदी बहती है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अमेजन तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, मैंने गूगल में सर्च मारा तो आपका हांगो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हांगो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, कांगो ऑप्शन में है। तो देखिए, मैंने तो बहुत रिसर्च किया लेकिन भी मुझे नहीं मिला, तो इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग हांगो होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, मैं बता दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन और ऐसा नहीं है, केवल इसी क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 27 का डी होना चाहिए, एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि मैं क्या मेरा बाप भी नहीं पड़ेगा, मतलब कोई भी आदमी इसमें कन्फ्यूजन हो ही जाएंगे, किसी भी सेट में एक से दो क्वेश्चन ऐसा ही होगा, ठीक है दोस्त, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रदेश में, मतलब कि कहाँ पे कौनधारी वन पाए जाते हैं, तो कौनधारी वन किसको कहते हैं, सबसे पहले ये समझिए, कौनधारी वन ये होते हैं जो आपका शंकु के आकार के होते हैं, कैसे आकार के होते हैं, शंकु के आकार की, कौन, कौन मतलब होता है शंकु, ठीक है, इंग्लिश में शंकु को कौन कहा जाता है, तो कौन इस तरह के कहाँ पे पाए जाते हैं, तो देखे होंगे कि बर्फ से लदे हुए हिमालय में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय, ऊंचे ऊंचे और शंकु के आकार के होते हैं जंगल, ठीक है, पेड़ पूरा छिटता नहीं है, उन लोग केवल सीधा सीधा खड़ा होता है शंकु के आकार की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय, ठीक है। आइए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, ओजोन क्षरण के लिए कौन गैस जिम्मेदार है, ठीक है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन, तो आप सभी को मालूम होगा यार ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो आपका एयर कंडीशनर यानी कि जो जिसमें आप लोग बाल को सुखाते हैं ना, बस वो वाला, मैंने तो देखा भी नहीं यार रियल में, उसके बाद रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, उससे भी निकलता है और आपका ओजन लेयर को छेद कर देता है। आइए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, पूछा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हरित गृह प्रवाह है यह कैसी गैसें हैं, तो यह हमारे पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन कितना में है, तो ऑप्शन सी में है आपका, यहाँ पे वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी प्रयोग, ठीक है, मतलब कि वैसे गैस जो हमारे वैश्विक विश्व के तापमान को बढ़ाते हैं, ठीक है, वे आपके कहा जाते हैं कौन से, तो ये कहा जाता है आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसें, खाना बनाने वाली गैस LPG को कहा जाता है कुकिंग गैस, वाहन में कार्बन मोनोऑक्साइड, वैश्विक तापन गैस आपका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि मीथेन हो गया, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, तो इसके बारे में क्या ही बताएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के लिए कौन अधिक जिम्मेदार है, तो जल प्रदूषण के लिए सबसे अधिक जो जिम्मेदार है वह है आपका कौन, तो पहला ऑप्शन है मलाशय, ऑप्शन बी है औद्योगिक अपशिष्ट, तो यही हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट हम लोग जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि यही सब जो होता है आपके नदी में बहाए जाते हैं, जितने भी फैक्ट्री होते हैं अपने कचरे कहाँ पे बहाते हैं, नदी में, तो सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण किससे होता है, औद्योगिक अपशिष्ट, और कई बार इसके लिए आपका पेपर में कई बार सुने होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब की गई, तो देखिए दोस्तों 1985 में शुरुआत की गई, और इसका प्रारंभ मतलब एक्ट वगैरह बन गया था 1985 में, 1986 में काम शुरू हुआ, और आपका 2000 में इसका काम समाप्त भी हो गया था, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका कि कौन एक अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण मतलब फैलाता है, तो साइकिल, साइकिल क्या ध्वनि प्रदूषण फैलाएगा दोस्त, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी फैलाती है लेकिन कम फैलाती है, कार, कार तो फैलाती है जी बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फैलाता है वह आपका है जेट इंजन, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जेट हवाई जहाज, ठीक है, जेट इंजन सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका कि किस प्रदूषण के लिए भस्मावी विधि का प्रयोग किया जाता है, भस्मीय विधि का प्रयोग है, ठीक है, तो भस्मीय विधि का प्रयोग किस अपशिष्ट के लिए किया जाता है,
तो ठोस सॉलिड अपशिष्ट के लिए वाष्प में विधि का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कोप 27, ठीक है, जो शिखर सम्मेलन है यह कहाँ आयोजित की गई। तो 2021 में इसका आयोजन मिस्र, जिसको इंग्लिश में आप लोग इजिप्ट बोलते हैं, उसी का एक शहर का नाम है, उसी वहीं पे स्थापना की गई। तो इसको अगर देखा जाए तो मिस्र ऑप्शन में देना चाहिए, लेकिन मिस्र में ना देकर जिस शहर में हुआ था मिस्र के, उस शहर का नाम दे दिया है शर्म एल शेख, इस शहर का नाम है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मिस्र, और जिसे नील नदी की देन भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो टिहरी डैम आपका भागीरथी नदी पर अवस्थित है। टिहरी डैम कहाँ पर अवस्थित है? भागीरथी नदी पर। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 37 नंबर, पर्यावरणीय कानून कब लागू किया गया, ठीक है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू किया गया था, यह आपका किया गया था कब? 1986 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1986। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा जी, 5 दिसंबर। क्वेश्चन है कि 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, पूरे विश्व में मृदा दिवस, सोइल डे मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो पेडोलॉजी कहा जाता है, द स्टडी ऑफ सॉइल इज पेडोलॉजी। अगला है कि बिश्नोई आंदोलन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेड़ बचाओ सेव ट्री के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, अंतिम क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण कानून कब लागू किया गया, ठीक है। तो विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका 1972 में लागू किया गया था, केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। बहुत बार बोल चुका हूँ यार। तो ये था क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हम कह सकते हैं कि 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इजीली कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा एजुकेशन से रिलेटेड, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी, एमएस, बीएड, डीएलएड सभी के, ठीक है। क्लास 8 लेकर के पीएचडी तक के जितने भी एकेडमिक कोर्सेज होते हैं सभी के आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर आपका कोई दोस्त, आपका भाई पढ़ाई कर रहा होगा तो उनके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।